जय माता दी। पितृपक्ष समाप्त होते ही अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो जाती है। इस बार यह नवरात्रि 7 अक्टूबर गुरुवार से प्रारंभ हो रही है। इसमें माँ दुर्गा के 9 रूपों की अलग अलग दिन पूजा आराधना की जाती है। इस बार चतुर्थी तिथि का 6 होने से नवरात्रि 8 दिनों की होगी। पहले दिन कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 6:17 से 7:07 तक है। कलश स्थापना के साथ ही पहले दिन माँ शैलपुत्री, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा, चौथे दिन माँ कुष्मांडा, पांचवें दिन माँ स्कंद माता, छठे दिन माँ कात्यायनी, सातवें दिन माँ कालरात्रि, आठवें दिन माँ महागौरी और 14 अक्टूबर को महानवमी पड़ेगी। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। पहले दिन कलश स्थापना के लिए इन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। जौ बोने के लिए मिट्टी का पात्र, थोड़ी साफ मिट्टी, एक छोटा घड़ा, मिट्टी का ढक्कन, गंगा जल, सुपारी या 1-2 सिक्का, आम की पत्तियां, अक्षत, कलावा, जौ, इत्र, फूल, माला, नारियल, लाल चुन्नी तथा दुर्वा घास। कलश स्थापना कैसे करें? सबसे पहले मिट्टी के पात्र में थोड़ी मिट्टी डालें, फिर ज्वार के बीज डाल दें, उसके ऊपर फिर मिट्टी और थोड़ा जल डालें, कलश के गर्दन पर कलावा बांधें, तिलक भी लगाएं। अब कलश में गंगा जल भर दें, जल में सुपारी, दुर्वा घास, अक्षत और सिक्का डाल दें। कलश के किनारों पर 5 आम के पत्ते रखकर ढक्कन से ढक दें। नारियल पर लाल चुन्नी लपेट दें, कुछ पैसे भी रखें और कलावे से बांध दें। फिर जमीन को साफ करके पात्र को रखें और उस पर रखे ढक्कन पर ऊपर के नारियल रख दें। थोड़ा इत्र छिड़क दें। कलश 9 दिन तक एक ही स्थान पर रहेगा। कलश में सुबह शाम थोड़ा पानी डालते रहें। इसके बाद माँ की आराधना करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। माँ पूरे 9 दिन पृथ्वी पर विचरण करती हैं और भक्तों की मन चाही मुराद पूरी करती हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करने से पहले पुस्तक को लाल कपड़े पर रखकर उस पर अक्षत और फूल चढ़ाएं। पूजा करने के बाद ही किताब पढ़ना शुरू करें। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले और बाद में निर्वाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जाप करना जरूरी होता है। नवरात्र के दिनों में माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ ज्यादातर घरों में हर रोज किया जाता है। इसका पाठ विशेष फलदायी माना जाता है। शास्त्रानुसार दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का विधान स्पष्ट किया गया है। यदि एक दिन में पूर्ण शास्त्रोक्त विधि से दुर्गा सप्तशती का पाठ संपन्न करने में सामर्थ्य ना हो तो निम्नानुसार क्रम व विधि से दुर्गा सप्तशती का पाठ करना श्रेयस्कर रहता है। आइए जानते हैं दुर्गा सप्तशती के पाठ की सही विधि क्या है। यदि एक दिन में दुर्गा सप्तशती का पूर्ण पाठ करना है तो निम्न विधि से किया जाना चाहिए। प्रोक्षण, अपने ऊपर नर्मदा जल का सिंचन करना। आचमन, संकल्प, उत्कीलन, शापोधार, कवच, अर्गला सोत्र, कीलक, सप्तशती के 13 अध्यायों का पाठ इस विशेष विधि से भी किया जा सकता है। मूर्ति रहस्य, सिद्ध कुंजिका स्रोत, क्षमा प्रार्थना। विशेष विधि, जो श्रद्धालुगण पूरा पाठ 13 अध्याय एक दिन में संपन्न करने में सक्षम नहीं है वे निम्न क्रम से भी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। प्रथम दिवस में पहला अध्याय, द्वितीय दिवस में दूसरा व तीसरा अध्याय, तृतीय दिवस में चौथा अध्याय, चतुर्थ दिवस में 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां अध्याय, पंचम दिवस में 9वां व 10वां अध्याय, षष्ठ दिवस यानी छठे दिन 11वां अध्याय, सप्तम दिवस यानी 7वें दिन 12वां व 13वां अध्याय, अष्टम दिवस 8वें दिन मूर्ति रहस्य, हवन व क्षमा प्रार्थना, 9वें दिन कन्या भोज इत्यादि। माता रानी विश्व का कल्याण करें। जय माता। Thank you.